अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन कोडेंसो। आज हम करने जा रहे हैं अपना पहला प्रोजेक्ट इस पाइथन कोर्स का। पाइथन का कोर्स आपको पता है हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको तीन प्रोजेक्ट्स का बताया था, जो हम तीन प्रोजेक्ट्स जो हैं इस पाइथन कोर्स के एंड पे करने जा रहे हैं। उसमें से पहला था हमारे पास रॉक पेपर सीजर, दूसरा हमारे पास था एक क्विज गेम बनानी है हमने, थर्ड हमारे पास था पासवर्ड जनरेटर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रॉक पेपर सीजर की गेम। अच्छा, इसके लिए मेरे पास इनिशियल में कोई भी कोड लिखा हुआ नहीं पड़ा होगा किसी और मॉनिटर के ऊपर या मेरे सामने, सही है? मैं यहाँ पर आपके सामने जो भी करूंगा करूंगा, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है मैं किस तरह से यूज करता हूँ, किस तरह से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से उसके अंदर वर्क करते हैं, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। पहले ये आपके कोड की डिक्शनरीज हैं, जितने भी आज तक हमने लेक्चर पढ़े हैं सारे उनकी डिक्शनरीज पढ़ी हैं। तो यहीं पे एक बनाते हैं न्यू फोल्डर जो है हमारे पास, उसका नाम रखेंगे रॉक पेपर एंड सिजर्स गेम, ठीक है, इतना बड़ा नाम आ गया इसका। अच्छा, ये एक देखिए मेथडोलॉजी जो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, जब आपने फोल्डर का नाम रखना है तो आपने वाइट स्पेस कभी नहीं रखनी उसके अंदर। यहां पर देखें जो वाइट स्पेस आएगी उसमें आपने यहां पर अंडरस्कोर डालना है, ये हमेशा याद रखें। ये एक मेथडोलॉजी है अच्छी जो कि यूज करनी चाहिए जब भी आप फोल्डर का किसी फाइल का नाम रखते हैं तो उसके अंदर, ठीक है। सो यहां पर वीएस कोड जो है हमारा ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं अपने गेम के नाम से, गेम, और बल्कि इसको प्रोजेक्ट वन करते हैं। इसको करता हूं मैं बंद और यहां पर रखता हूं प्रोजेक्ट वन जो है हम उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं .py which will be rock paper scissor, ये तो सबको पता है। अच्छा, rock paper scissor, अगर आपको गेम का नहीं पता तो इसके अंदर तीन ऑप्शन होते हैं, मैं आपको बताता चलूं। एक रॉक होता है, सीजर होता है और पेपर्स होता है। दो प्लेयर्स हैं इसके अंदर जो खेलते हैं और दोनों ने अपना अपना कोई एक चॉइस जो है इनमें से चूज करनी होती है, रॉक या पेपर या सीजर्स, और उन दोनों के बेसिस के ऊपर फिर एक फैसला होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लेयर है वो रॉक चूज करता है, दूसरा प्लेयर जो है वो सीजर्स चूज करता है, तो जो पहला जिसने रॉक चूज किया है वो जाहिर सी बात है जीत जाएगा। अगर आपको ये रूल्स का नहीं पता तो आप एक बार इस गेम को निकाल के जरूर देखें कि रॉक पेपर सीजर्स होती क्या है। अच्छा, दूसरी है कि अगर प्लेयर जो है, प्लेयर वन जो है हमारे पास, वो पेपर चूज करता है और जो हमारे पास दूसरा प्लेयर है वो रॉक चूज कर लेता है, फिर भी हम जीत जाएंगे, ठीक है, प्लेयर नंबर वन जीत जाएगा। अगर प्लेयर जो है वो सीजर्स चूज करता है और दूसरा पेपर, दूसरा जो प्लेयर है वो पेपर चूज करता है, जाहिर सी बात है सीजर जो है पेपर को काट सकती है, हम फिर से जीत जाएंगे, इनके प्लेयर नंबर वन जो है फिर से जीत जाएगा। आप एक बार इसको देख भी सकते हैं, गेम को यूट्यूब पे निकालें आप, छोटे बच्चे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वो वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर आप इस गेम को देख सकते हैं। तो ये कंडीशन बेस्ड है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल गेम है, तो क्यों ना मैंने कहा कि यही प्रोजेक्ट पहला रखा जाए। अच्छा, प्रोजेक्ट की जो सीक्वेंस है ना प्रोजेक्ट का, वो कुछ इस तरह से है। अब रॉक पेपर सीजर जो है वो सबसे इजी प्रोजेक्ट है, इसके बाद जो क्विज ऐप होगी इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो भी इजी बट इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट। फिर जो पासवर्ड जनरेटर है वो हमारे पास इन तीनों से ज्यादा मुश्किल होगा और थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल होगा, बट ये है कि आपके कॉन्सेप्ट उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनका उसके अंदर टेस्ट होगा। सो हम यहीं पर इनिशियल कोई कोड मैं स्टोर नहीं करूंगा, आपके सामने यहीं पे कोड लिखूंगा लाइव, और जितना भी कोड होगा हम उसके ऊपर वर्क करेंगे यहाँ पर लाइव बैठ के। यानी कि मैं वैसे तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट रिकॉर्डिंग के दौरान भी मैं अपने पास कोड वगैरह नहीं रखूंगा, ताकि हम जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको यहीं पे रियल टाइम पे सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि अगर प्रॉब्लम कोई जनरेट होती है तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, यहाँ पे हम, मैं आपको पहले बताता चलूँ, दो प्लेयर्स रखेंगे, एक प्लेयर होगा हम यानी कि हम खेलेंगे और दूसरा प्लेयर हम रखेंगे कंप्यूटर को, यानी कि एक हम खेलेंगे और एक कंप्यूटर खेलेगा। जाहिर सी बात है हमने पाइथन के अंदर बना रहे कोडिंग में, हम ये भी रख सकते हैं प्लेयर वन और प्लेयर टू, हम अगर कंप्यूटर का नाम नहीं देना चाहते, कंप्यूटर को नहीं खिलाना चाहते तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, बल्कि इस तरह से करते हैं, चलें आपका कॉन्सेप्ट इसके अंदर और क्लियर होगा। पहले तो हमें रॉक पेपर और सीजर तीन ऑप्शंस चाहिए। सो मैं यहां पर एक लिस्ट बनाता हूं, लिस्ट बल्कि ऑप्शंस रखता हूं। ऑप्शंस जो होंगे मेरे पास वो मैं एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवाता हूं, और वो है मेरे पास रॉक, देन मेरे पास है पेपर, एंड देन थर्ड ऑप्शन है मेरे पास सीजर्स,
ठीक है, ये तीन ऑप्शंस हैं, इन तीन ऑप्शंस के ऊपर हमने वर्क करना है, यानी कि हमारे पास ये तीन ही ऑप्शन होंगे गेम के अंदर। सो अगर बल्कि ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास तीन ही ऑप्शन है, हमने चेंज नहीं करना इसको, तो क्यों ना इसको टुपल के अंदर स्टोर करवाएं। टुपल का आप लोगों को पता है वो अनचेंज होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं रन टाइम के ऊपर, लिस्ट जो है हमारे पास चेंज हो जाती है। तो हमने अगर चेंज करना ही नहीं है, हमने ऑप्शन तीन के साथ ही खेलना है, तो हम क्यों ना इसको टुपल के अंदर स्टोर करवा लें। लिस्ट के अंदर भी आप करवा सकते हैं, ये नहीं कि लिस्ट के अंदर आप नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते, ठीक है। तो मैं टुपल के अंदर करवा रहा हूँ इनको, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये तीन ऑप्शंस बन गए। अब एक तो होगा हमारे पास प्लेयर नंबर वन और दूसरा होगा प्लेयर नंबर टू। अब प्लेयर नंबर टू जो है वो कंप्यूटर होगा, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, एक प्लेयर का ऑप्शन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेयर, अभी के लिए मैं इसको रख रहा हूँ नन, इसके अंदर कोई स्टोर नहीं करवाया कुछ भी मैंने। और एक होगा हमारे पास वेरिएबल कंप्यूटर का, और इसको भी अभी के लिए मैं स्टोर करवा रहा हूँ नन। अच्छा, अब देखें हमारे पास प्लेयर वन जो है, यानी कि हम जो खेलेंगे, हम तो अपनी मर्जी से कोई भी चॉइस दे देंगे यहाँ पर। तो वो चॉइस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इनपुट लेंगे। इन जाहिर सी बात है, इनपुट के थ्रू ही हम चॉइस ले सकते हैं ना यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अगर इनपुट ले लूँ, इनपुट, और यहाँ पे कहता हूँ जी एंटर करो, एंटर अ चॉइस फ्रॉम, यहाँ पे चॉइस दे देते हैं रॉक पेपर सीजर की, रॉक और पेपर एंड सीजर्स, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक चूज कर लो, ये हमने इसके अंदर पास कर दिया। अच्छा, अब चीज क्या है यहाँ पर कि हमने यहाँ पे प्लेयर से तो इनपुट ले ली, अब प्लेयर हमारे पास कुछ भी पुट कर दे, हमें आउटपुट के अंदर वो चीज मिल जाएगी। अब हमने कंप्यूटर से भी लेना है, तो कंप्यूटर जो है उसको हम किस तरह से करेंगे कि इनमें से कोई एक चूज करे, उसने हर बार जितनी बार गेम रन होगी, बार बार हम इसको चलाएंगे, हर बार कंप्यूटर जो है वो अलग एक नया नंबर जो है, सॉरी नया ऑप्शन जो है वो यहां से उठाएगा। तो वो हम करेंगे पाइथन के एक मॉड्यूल के थ्रू, विच इज रैंडम, जो कि हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है, या रैंडम चॉइस उठाने के लिए यूज होता है। हम क्या करेंगे, पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ जी इंपोर्ट, इंपोर्ट के अंदर फिर मैं रैंडम मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट करता हूँ। इसको इंपोर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर इस रैंडम मॉड्यूल का यूज करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं रैंडम डॉट चॉइस। अब रैंडम जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक फंक्शन है चॉइस का। मॉड्यूल्स का मैं आपको बता चुका हूँ, आपने लेक्चर्स जिन लोगों ने सारे लिए हैं पीछे से, उन सबको पता है इस चीज का। अब रैंडम क्या है, हमारे पास एक मॉड्यूल है जो कि हमारे पास एक चॉइस जो है रैंडमली चॉइस पिक करने के लिए यूज होता है, और रैंडम चॉइस को पिक करने के लिए हमारे पास रैंडम के अंदर एक चॉइस का फंक्शन पड़ा हुआ है। तो हम चॉइस का फंक्शन लिखेंगे और इसमें दे देंगे ऑप्शन जो है अपना, यानी कि इन ऑप्शंस में से कोई एक पेपर, सॉरी जो एक चॉइस है वो पिक कर लो। अच्छा, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं इसको। प्रिंट, प्रिंट में मैं पहले करता हूँ जी प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल प्लेयर्स चॉइस, चॉइस और प्लेयर्स चॉइस के अंदर मैं करता हूँ जो प्लेयर मेरे पास इनपुट देगा, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ प्रिंट जो मेरे पास कंप्यूटर की चॉइस होगी, कंप्यूटर्स चॉइस, ठीक है। अब ये मैंने दो ऑप्शंस ले लिए और इसमें करवा दूंगा मैं अपने कंप्यूटर को स्टोर, कंप्यूटर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा जो प्लेयर ने पुट किया है हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो भी कंप्यूटर ने ऑप्शन चूज किया है। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं हमारी, क्योंकि टेस्टिंग हमने साथ साथ करनी है, ये रूल है प्रोग्रामिंग का। जब आप एक पीस ऑफ कोड लिखते हो तो पहले उसको टेस्ट करोगे, टेस्ट करने के बाद फिर आपने आगे जाना है। इस तरह से नहीं करना कि मैंने ये कोड लिख लिया, चले ये चल ही जाएगा, ये काम नहीं करना। ऑप्शन के ऊपर उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना कि चल ही जाएगा, आपने उसको टेस्ट करके देखना है, बार बार रन करके देखना है हर पॉइंट के ऊपर। मैं इसको रन करता हूँ, जाहिर सी बात है क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, तो हमें पाइथन फाइल के अंदर, यानी कि टर्मिनल के अंदर इसको रन करना पड़ेगा। मैं यहाँ से रन पाइथन फाइल करूंगा। सो यहाँ पर जाके अब ये रन हो चुका है, मुझे पूछ रहा है कि एंटर अ चॉइस फ्रॉम रॉक पेपर और सीजर। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ जी रॉक, फॉर एग्जाम्पल एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें प्लेयर चॉइस इज रॉक, और कंप्यूटर जो चॉइस है उसकी भी रॉक है, यानी कि हमने तो रॉक चूज कर लिया, यहाँ पर कंप्यूटर जो है उसने भी रैंडमली रॉक उठा लिया। अच्छा, अब इसको चेक करने के लिए कि क्या हमारा कंप्यूटर जो है वो सही तरह से रैंडम नंबर उठा रहा है या नहीं उठा रहा, इसको दोबारा से रन करते हैं। दोबारा से रन किया, मैं यहाँ पे फिर से रॉक चूज करता हूँ,
अब कंप्यूटर ने हमारे पास पेपर चूज कर लिया, ठीक है, यानी कि ये रैंडमली उठा रहा है। एक बार फिर से रन करते हैं जस्ट अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। मैं यहाँ पे इस बार सिजर्स उठाता हूँ ऑप्शन अपने लिए, ठीक है। मैंने सिजर्स चूज किया और कंप्यूटर ने रॉक चूज कर लिया। इट मींस कि हमारा कोड जो है वो सही वर्क कर रहा है, यानी कि प्लेयर वन की जो चॉइस आ रही है वो भी सही तरह से वर्क कर रही है, और जो कंप्यूटर हमारे पास रेंडमली नंबर उठा रहा है वो भी सही उठा रहा है। यहां तक तो हो गई हमारी टेस्टिंग जो है अच्छे तरीके से। मैं इसको बंद करता हूं, यहां पे आते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमने नेक्स्ट चीज जो देखनी है वो हम देखेंगे कि जो हम हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन पुट कर रहा है जो यूजर है, अगर वो रॉक पेपर सीजर की जगह पे कुछ और पुट कर देता है फिर क्या होगा। इसको पहले रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। रन करता हूं और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल रॉक के स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, RROK लिख देता हूँ। अब भी चल रहा है कि यहाँ पे प्लेयर ने क्या चूज किया है, रॉक, और कंप्यूटर ने क्या चूज किया है, उसने रॉक सही वाला चूज कर लिया, बट मैंने यहाँ पे इनपुट जो है वो गलत दे दी। तो इस प्रोग्राम को बंद होना चाहिए, यहाँ पे आगे मूव नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए कि भाई आपने जो इनपुट दी है वो इनवैलिड है, आप दोबारा से इनपुट दें या फिर गेम को दोबारा से स्टार्ट करें। सो चलें इस स्टेप को पहले कवर करते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन करता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूं। मैं इफ की कंडीशन लगाता हूं, इफ जो हमारे पास प्लेयर की चॉइस है वो अगर ना हो, फॉर एग्जांपल प्लेयर की जो चॉइस है इज नॉट इक्वल टू, हमें देखना है तो हम यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर लगाते हैं, नॉट, अगर प्लेयर ने जो भी चूज किया है वो ना हो किसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर। समझ आ रही ना आपको इस चीज की, मैंने पूछा कि अगर जो प्लेयर ने चूज किया है वो इन ऑप्शंस, प्लेयर्स जो प्लेयर की जो भी चॉइस आ गई वो इन ऑप्शंस, और यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर लगा दिया, यानी कि अगर ऑप्शंस के अंदर जो प्लेयर ने पुट किया है वो ना हो देन क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करो, प्रिंट यू एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस, ठीक है, इनवैलिड चॉइस, ओके। अब यहां पे मुझे ये ऑप्शन शो कर दो, ओके, फिर से यहां पे चलते हैं, इसको क्लियर करता हूं टर्मिनल को, दोबारा से रन करूंगा तो मेरे पास अभी ये रन हो चुका है। यहां पे देखिए मैं इंटर करता हूं, रॉक पहले से ही मैंने पुट कर दिया, मेरे पास सही चल गया, ठीक है। अब हमने टेस्ट करना है किस चीज को, कि हमारे पास जो है ये टर्मिनल प्रॉब्लम कर रहा है, दोबारा से रन करता हूं इसको, पाइथन फाइल एंड ओके। यहां पे मैं अब गलत चॉइस देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे मैंने कोई भी चॉइस दी, अब मेरे पास इसने ये तो कर दिया कि यू एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस, ये तो मुझे दे दिया, बट इसने प्रोग्राम को बंद नहीं किया, प्रोग्राम तो अभी भी आगे चल रहा है। चलें, अच्छा ये हो गया कि मैंने ये प्रिंट किया हुआ इसलिए चल रहा है, आप कह रहे होगे कि यहाँ पे आउटपुट हमें इन दो की वजह से मिल रही है, तो मैं अगर इसको कमेंट करके दोबारा से रन करता हूं, सो अब मैं यहाँ पे फिर से गलत चॉइस देता हूँ, हेलो मैंने लिख दिया, तो मुझे कह रहा है कि यू एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस, ओके, यहां तक हमारे पास डन हो गया। बट अगर यूजर जो है वो इनवैलिड चॉइस देता है तो गेम बंद तो ना करेगा, कम अज कम उससे दोबारा से ऑप्शन देना चाहिए कि दोबारा से इंटर करो, ठीक है। सो इसको ओवरकम करने के लिए फिर हम चलते हैं, ये मैं ऐसे रहने दूंगा ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कौन सी चीज पुट की है और यूजर जो है यूजर और कंप्यूटर ने दोनों ने कौन कौन सी चॉइसेस जो है वो पिक की हैं। ये जस्ट प्रिंट इसलिए यूज हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर इफ जो कंडीशन है इसके अंदर फिर से अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, ये एक बैड आइडिया है बट जस्ट इसको शो करवाने के लिए आपको कर रहा हूं। मैं यहाँ पे प्लेयर से फिर से इनपुट ले लेता हूँ, यानी कि अगर जो प्लेयर की चॉइस है वो ऑप्शन के अंदर मौजूद ना हो, अब देखो ये ऑप्शंस के ऊपर जैसे मैं माउस कर्सर जो है अपना लेके आया, मैंने होवर किया, तो उसने मुझे बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन से लिटरल्स हैं हमारे पास, रॉक है, पेपर है और सीजर है, इन तीन ऑप्शंस में से प्लेयर जो है वो चूज करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास इनवैलिड चॉइस आती है, यूजर कोई भी और चॉइस देता है, देन हम क्या करेंगे, प्लेयर से दोबारा से इनपुट ले लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, मैं दोबारा से यहाँ पे रन करूंगा, यहाँ पे मैं अब पहले तो सही चॉइस दूंगा रॉक फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम हमारे पास जो है रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पर मैं अब चॉइस देने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल गलत चॉइस दूंगा, हेलो और एंटर करूंगा तो मुझे कह रहा है यू एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस, और उसके फौरन बाद उसने मुझे फिर से इनपुट ले ली,
मैं यहाँ पे फिर से गलत पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग, जो भी हम चॉइस ले रहे हैं, मैंने रॉन्ग लिखा, मुझे कह रहा है प्लेयर चूज रॉन्ग और कंप्यूटर ने रॉक चूज किया है, और यहाँ पे हमारे पास इसने जो प्रोग्राम है उसको एंड कर दिया। फिर से प्रोग्राम तो हमारे पास एंड हो गया, बट प्रोग्राम जो है वो एंड नहीं होना चाहिए था, हमसे इसको दोबारा इसको इनपुट लेनी चाहिए थी, बट इसने इनपुट हमसे दोबारा नहीं मांगी यहाँ पर। ये तो एक लूप के अंदर चलना चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्यों ना एक लूप बनाए जिसके अंदर ये सारा का सारा काम वर्क करे, बट हमारे पास पहले ये पूरा चल जाए कि अगर हमारे पास ऑप्शन के अंदर वो मौजूद है तो हमारे पास दोबारा बार बार वो रन करना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर यूजर ने सही इनपुट दे दिए फिर हमारे पास जस्ट ये वाला प्रिंट हो जाए, अगर यूजर जो है वो रॉन्ग इनपुट देता है तो हमारे पास फिर से ये इसको रन कर दे। ठीक है, सो अगर इसको मैं देखें दोबारा से, यहाँ पर जाता हूँ और रन करता हूँ, सो मैं यहाँ पे पेपर लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल पेपर, ओके यहाँ पे हमारे पास चल गया और प्रोग्राम एंड हो गया। देन मैं अगेन रन करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ रॉक और गलत स्पेलिंग के साथ रॉक दिया मैंने, और कह रहा है कि यू एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस, और फिर से मैं यहाँ पे रॉक देता हूँ। सो फिर से मेरे पास इसने क्या किया, प्लेयर चूज जो रॉक चूज किया है और कंप्यूटर ने पेपर चूज किया है, और इसने मेरे पास प्रोग्राम को एंड कर दिया है। सो मेन प्रॉब्लम हमारे पास अब ये आ रही है कि ये तो प्रोग्राम को एंड कर रहा है दूसरी बार चलाकर। सो ये एक बार क्या कर रहा है, इनपुट देख रहा है कंप्यूटर की, दूसरी बार ये इनपुट किसकी देख रहा है, उसकी हमारे पास जो आ रही है प्लेयर से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि तीन ऑप्शंस पड़े हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर ये दो बार रन करके इसको जस्ट बंद करी जा रहा है। फिर से हमें तो इसको चलाना है बार बार, अगर यूजर जितनी बार भी हमारे पास गलत चॉइस देता है हमें बार बार उसको देना है कि इनपुट में हमें भाई अगर ओरिजिनल चॉइस जो असल चॉइस है यानी कि इन तीन में से वैलिड चॉइस को देते हो फिर ये चलेगा। सो इसके लिए पहले ये करते हैं कि हम सारी कंडीशंस जो हैं अपने रॉक पेपर सीजर के लिए वो लिख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर यही चॉइसेस जो हैं वो लिखने के लिए यहाँ पे पहले कोड को रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इफ हम यहाँ पे विन और जो लोज लोज करने की चॉइस है वो बनाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ कंडीशन बनाएंगे इफ प्लेयर, पहले इक्वल की चॉइस बना लें, अगर फॉर एग्जाम्पल प्लेयर भी वही चूज करता है और कंप्यूटर भी वही चूज करता है तो टाई हो जाएगा। ठीक है, प्लेयर इज इक्वल्स टू जो कंप्यूटर की चॉइस है, सॉरी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की हमारे पास चॉइस है, अगर वो दोनों इक्वल हैं देन प्रिंट कर दो हमारे पास प्रिंट दिस इज अ टाई, हमारे पास टाई हो जाएगी गेम, यानी कि दोनों बराबर आ गए हैं। अच्छा, अब अगर ये टाई नहीं होता, मैं कहता हूं कि एल इफ अगर हमारे पास जो प्लेयर है प्लेयर उसकी चॉइस जो है वो हमारे पास आ जाती है रॉक, एंड जो हमारे पास कंप्यूटर है उसकी जो चॉइस है वो आ जाती है फॉर एग्जांपल हमारे पास सिजर्स, सिजर्स, ओके। सो हमारे पास अब देखें यूजर ने अगर रॉक चूज किया और कंप्यूटर ने सिजर चूज किया तो जाहिर सी बात है यूजर जो है वो विन कर जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट यू विन फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा यही काम मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट करूंगा, क्योंकि हमारे पास तीन को हमने अगर कर लिया, क्योंकि हमारे पास तीन ही ऑप्शन है तो हम इसको बना लेंगे। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन हम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर चूज करता है यूजर और कंप्यूटर जो है हमारे पास वो रॉक चूज करता है, हमने यहाँ पे वो कंडीशंस लिखनी है जिसके ऊपर जिसको खेल के यूजर जो विन कर जाएगा। तो अगर यूजर पेपर चूज करता है और कंप्यूटर रॉक चूज करता है तो यूजर जीत जाएगा फिर से, और अगर फिर से यूजर जो है वो हमारे पास सीजर्स चूज करता है, सीजर्स, और जो कंप्यूटर है वो हमारे पास पेपर चूज करता है पेपर, ठीक है, तब भी यूजर जीत जाएगा। और इसके अलावा जितने भी केसेस बनेंगे उसके अंदर जाहिर सी बात है हमारे पास कंप्यूटर जीत जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट कंप्यूटर विंस। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन चलेंगे
ये जो मैंने ऑप्शंस लिखे हैं, अगर ये वाले ऑप्शंस बनते हैं तो हमारे पास जो प्लेयर है वो जीत जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी इसके यानी के मुतरादिफ कोई भी ऑप्शन हमारे पास बनता है, कोई भी रिजल्ट बनता है, तो फिर क्या होगा, कंप्यूटर जीत जाएगा। सेम चीज के अगर जो कंप्यूटर है वो सीजर चूज करता है और यूजर रॉक चूज कर लेता है तो कंप्यूटर जीत जाएगा। अगर जो कंप्यूटर है हमारे पास वो पेपर चूज करता है और जो प्लेयर है वो हमारे पास रॉक चूज करता है, फिर भी जो कंप्यूटर है हमारे पास वो जीत जाएगा। सो यहाँ पे वो एल्स वाली कंडीशन जो है वो सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा अब यहाँ पे चलते हैं, इसको रन करके देखते हैं पहले। इसमें रन करूंगा यहाँ से रन पाइथन फाइल, और यहाँ पे मैं चूज करता हूँ रॉक। अभी मैं सही चॉइसेस जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है। रॉक मैंने चूज किया, दिस इज अ टाई। टाई क्यों हो गया, क्योंकि हमने भी रॉक चूज किया और कंप्यूटर ने भी रॉक चूज किया। ओके इसको मैं दोबारा से रन करता हूं, दोबारा से रन करके मैं यहाँ पे अब देता हूं सीजर्स। मैंने सीजर्स चूज किया और कंप्यूटर ने पेपर चूज किया, तो मैं जीत गया, जाहिर सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं विन कर गया। अब मैं दोबारा से इसको एक बार रन करता हूं, अब मैं चूज करता हूं फिर से यहाँ पर रॉक, और जब मैंने रॉक चूज किया तो फिर से मैं जीत गया, क्योंकि कंप्यूटर जो है उसने सीजर्स चूज कर लिया, जाहिर सी बात है मैंने पत्थर चूज किया, तो पत्थर जो है जो कैंची जो है वो पत्थर को काट नहीं सकती, फिर से मैं जीत गया यहाँ पर। यही मैं रूल्स जो हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो में जाके। सो हमारे पास यहाँ तक कोड जो है वो परफेक्ट रन कर रहा है, बट हमारे पास क्यों ना यहाँ पे हम एक ऑप्शन रखें कि ये बार बार रन करे, प्रोग्राम जो है वो बार बार चलना चाहिए, यानी कि ये एक बार चलता है हमें कंडीशन का जो आंसर है वो देता है, दे के बंद हो जाता है। ये तो हमने रख लिया कि अगर इनवैलिड चॉइस हो फिर चले, ये भी हमने एक्चुअली इसको भी चेंज करते हैं, बट इसको अभी ऐसे चेंज नहीं कर सकते। ये जो हमने दोबारा से वही इनपुट फिर से ले ली है, ये तरीका गलत है, वही वेरिएबल हमने फिर से यहाँ पे मेमोरी के अंदर इजाफा कर रहे हैं हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो प्रोग्राम की बढ़ जाएगी इस तरह से। अच्छा हम क्या करते हैं, अभी इसको फिर एक लूप के अंदर रखते हैं। लूप हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जरा जूम आउट कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं एक लूप चूज करूँ वाइल का, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू यूज करूंगा। अच्छा और इस सबको वाइल लूप के अंदर ले आऊंगा। अच्छा अगर मैं देखें ये जो सारी चीजें हैं इसको सिलेक्ट करके मैं यहां से टैब दबाऊंगा ना अपने कीबोर्ड से, तो ये वाइल लूप के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये वाइल लूप के अंदर आ गए, वाइल लूप क्या करेगा, इसको बार बार रन करेगा। अच्छा यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ रॉक, तो ये देखिए मेरे पास जो प्रोग्राम की कंपाइलेशन है वो चलती जा रही है, ये चलता जा रहा है, ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि ये वाइल लूप के अंदर चल गया है, तो वाइल को तो हमने ट्रू कर दिया है, तो वाइल ट्रू का ट्रू ही रहेगा, ठीक है। सो इसके लिए हमें एक टर्मिनेशन कंडीशन देनी पड़ेगी, उसके बाद ये प्रोग्राम सही से रन करेगा। तो जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो किस तरह से देंगे, हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे कि दोबारा चलाना है प्रोग्राम को या नहीं चलाना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल और बनाता हूँ, वेरिएबल का नाम फॉर एग्जाम्पल अगर रखें हम प्ले अगेन, फॉर एग्जाम्पल प्ले अगेन, यूजर से हम पूछ रहे हैं, ठीक है। और यूजर से मैं इनपुट लेता हूँ इनपुट, और यूजर को कहता हूँ जी मुझे इनपुट दो, डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, और यहाँ से जो यूजर से इनपुट लूंगा, यूजर को यूजर क्या पुट करे हमारे पास, हम उसको चलाएं, येस और नो पुट करवाएंगे जाहिर सी बात है, तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल में वाई और एन हम पुट करवा लें, वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो, ठीक है। यहाँ पे ये कॉमन ऑप्शन है वो यूजर को पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ जो हमारे पास प्ले अगेन का जो वेरिएबल है, अगर यूजर उसके अंदर वाई की जगह कुछ और पुट करता है, यानी कि अगर तो येस पुट करता है फिर हमारे पास गेम दोबारा से चल जाए, यानी कि ये वाला लूप दोबारा से चल जाए, अगर हमारे पास नो पुट करता है यानी कि एन पुट करता है, देन हमारे पास गेम जो है वो क्विट हो जाए। अच्छा तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं प्लेयर जो है प्ले अगेन इफ नॉट इक्वल टू वाई, अगर देखें वाई की इक्वल होगा फिर तो ये दोबारा से चल जाएगा, अगर वाई की इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, यानी कि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, प्रोग्राम यहाँ पे वर्क करना बंद कर देगा। अच्छा इसको टेस्ट करते हैं,
अब क्योंकि ये वाला हमारे पास वाइल के अंदर ही चले, इसको मैं यहां से उठाता हूँ, यहां से उठा के ना इसको जब हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं यहां पर, यहां पे पुट करता हूँ इसको। अभी थोड़ा सा हमारे पास तरतीब से आएगा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी इसको रन करके देखते हैं। रन पाइथन फाइल, ओके यहां पर मैं अब देता हूं जी रॉक। जैसे मैंने रॉक पुट किया यहां पर, मुझे कह रहा है कि प्लेयर, अब ये मैंने इसलिए ऊपर पुट किए थे, ये हमारे पास जो हमने चॉइसेस दी हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। प्लेयर चॉइसेस रॉक, कंप्यूटर चॉइसेस रॉक, तो जाहिर सी बात है हमारे पास टाई हो जाएगा। अब हमारे पास पूछ रहे हैं डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, ओके मैं यहाँ पे येस करता हूँ। सो हमारे पास अब इसने, अब देखें एक और चीज देखें यहाँ पर, अब इसने क्या किया, मुझे यहाँ पे इसे दोबारा से इनपुट लेनी चाहिए थी, बट इसने क्या कर दिया, मुझे फिर से पूछा डू यू वांट टू प्ले अगेन, मैं फिर से यस करता हूँ, ये फिर से चल गया और मुझे कह दिया कि प्लेयर की चॉइस जो है वो रॉक है और कंप्यूटर की चॉइस फिर से रॉक है और ये फिर से टाई हो गया। ये तो उसी पिछली जो इसके मतलब अंदर मेमोरी पड़ी है कैशे के अंदर, ये तो उसको बार बार यूज कर रहे हैं, ये क्यों यूज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर जाके देखते हैं हमारे पास एरर क्या आ रहा है। लेट्स सी, हमने यहाँ पर वाइल का लूप चलाया जिसके अंदर हमने इनपुट ली और प्लेयर की, ओके अगर प्लेयर हमारे पास ये इनपुट देता है फिर से हमारे पास इनपुट ले एंड ये वर्क कर रहा है, फिर हमारे पास गलती क्या आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे ढूंढने पहले, ओके 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 हम यहाँ पे देखें, ये इनपुट हम बाहर भी ले रहे हैं एक, ठीक है, और नंबर भी जनरेट करवा रहे हैं, ये तो हम वाइल लूप के बाहर करवा रहे हैं। सो वाइल लूप भी चलता रहेगा और जो बाहर से आ रही है हमारे पास कंप्यूटर, तो बाहर हर दफा ये जनरेट करता रहेगा, तो कंप्यूटर की और ऑलरेडी जनरेट होती रहेगी और जो हमने यहाँ पे इनपुट दे दी है वो भी ऑलरेडी यूज होती रहेगी, तो हमारे पास ये है बार बार वही रन करता रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से उठा के इसको रखता हूँ वाइल लूप के अंदर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा वाइल लूप के अंदर मैंने रखा। अच्छा अब देखें जो मैंने आपको कहा था कि ये वाला हम यूज कर रहे हैं गलत, हमें यहाँ पे हम क्या ऐसा यूज करें कि हमारे पास प्रोग्राम वैसे रन कर जाए दोबारा। तो देखिए हमने एक कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट पढ़ी थी अगर आपको याद हो, इफ एल्स के अंदर, फॉर लूप के अंदर, कंडीशंस के अंदर हमने एक कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट पढ़ी थी। अगर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यू लगा दें तो क्या होगा, अगर हमारे पास प्लेयर की चॉइस जो है वो इन तीन में से कोई भी नहीं है तो हमारे पास रन क्या करेगा, कॉन्टिन्यू रन करेगा, कॉन्टिन्यू क्या करेगा, यहीं पे प्रोग्राम को रोकेगा, दोबारा से लूप को चला देगा, फिर से दोबारा से लूप को चला देगा, जस्ट उस स्टेप को स्किप कर देगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रॉक जो है उसको गलत स्पेल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पे पहले चेक करेगा कि क्या हमारे पास चॉइस जो है वो इनवैलिड है या वैलिड है, ये देखेगा कि हमारे पास चॉइस जो है वो इनवैलिड आई है, तो प्रोग्राम हमारे पास पहले ये वाला प्रिंट चलाएगा फिर उसके बाद कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू क्या करेगा, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उस सबको स्किप कर देगा, यानी कि उस ऑप्शन ऑप्शन जो है उसको स्किप कर देगा और दोबारा से यहां से स्टार्ट कर देगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है। इसको जस्ट चेक करते हैं दोबारा से। अच्छा यहाँ पे अभी फिर से एरर आना है क्योंकि हमने ये कंप्यूटर की चॉइस जो है वो भी बाहर रखी हुई है, ये भी हम उठाएंगे और इसको भी अगर हम यहाँ पे रख लें, यहाँ पे पुट कर दूं मैं, और इसको करते हैं क्लियर टर्मिनल, बल्कि डिलीट करते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से रन कर रहे हैं, दोबारा से रन पाइथन फाइल करूंगा और जब हमारे पास प्रोग्राम रन होगा मैं यहाँ पे देता हूँ रॉक, ओके अब मेरे पास इसने पूछा प्लेयर चूज, जो प्लेयर ने चूज किया वो भी रॉक है, कंप्यूटर ने रॉक चूज किया है और यहाँ पे टाई हो गया हमारे पास। डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, यस। अब देखें मैंने जैसे ही यहाँ पे यस किया फिर से मेरे पास इसने रन कर दिया एंटर अ चॉइस फ्रॉम रॉक रॉक पेपर और सीजर। अब देखिए मैं यहाँ पे गलत चूज करता हूँ, मैंने रॉक गलत स्पेल किया, मेरे मुझे क्या कह रहा है, यू एंटर एन इनवैलिड चॉइस और फिर से मुझसे इनपुट ले ली, सो दैट्स इट। ये हमारे पास बेस्ट तरीका था जो हमने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे यूज किया और ये प्रोग्राम को दोबारा से उसी तरह रन कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी जो हमारे पास गलती है एक और है कि अगर यूजर जो है वो गलत चॉइस एंटर करता है तो कंप्यूटर को भी दोबारा से चूज करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गलत चॉइस देता हूँ कंप्यूटर जो है फिर से चूज करेगा, अगर मैं फिर से गलत देता हूँ जो कंप्यूटर ने चूज किया हुआ था पहले उसको वो छोड़ के फिर से चूज करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसको उठाऊं यहां से।
यहाँ पे भी रख सकते हैं, ये आपने इस चीज में नहीं आना, मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा लाइंस का फर्क पड़ेगा, क्या है कि यहाँ पे जस्ट ये चेक करेगा, अगर नहीं होगा फिर से यहाँ से रन कर देगा। कंप्यूटर एक ही बार चूज करेगा, कंप्यूटर कब चूज करेगा, जब यूजर ने सही चॉइस ली होगी, अब कंप्यूटर तब ऑप्शन चूज करेगा, वरना कंप्यूटर जो है वो अपना ऑप्शन जो है वो चूज नहीं करेगा। अच्छा, अब इसको रन करते हैं देखने के लिए जस्ट कि हमारे पास सही रन कर रहा है या नहीं कर रहा। ये मैंने वही बात कि आपने हर स्टेप के ऊपर अपने कोड को चेक करना है कि हमारे पास रनिंग इसकी प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। मैं यहाँ पे रॉक एंटर करता हूँ, मुझे कह रहा है कि डिड यू मीन कंपाइल द नेम कंप्यूटर इज नॉट डिफाइंड। ओके, कंप्यूटर जो है हमारे पास डिफाइन नहीं है, कहाँ पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एरर देखिए आ रहा है, और ये एरर आ रहा है हमारे पास लाइन नंबर 70 के ऊपर, 17 के ऊपर। अच्छा, ये कोड को पहले हम पढ़ चुके हैं वैसे, ट्राई और जो एक्सेप्शन है उसको, लेकिन आप कोड को पढ़ना भी सीखें, ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा है, फाइल ई कोडेंजो कोड, जो हमारे पास ये पाथ पड़ा है जिसके अंदर हमारा फोल्डर बना हुआ है, ये जिस फोल्डर के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, ये वो वाला पाथ आ गया। अच्छा, उसकी फाइल जो project1.py है उसके अंदर लाइन नंबर 17 के ऊपर इन मॉड्यूल, ये वाला जो मॉड्यूल है हमारे पास प्रिंट कंप्यूटर्स चॉइस, अब देखिए हमें पूरा एरर बता रहा है ये, उसके अंदर हमारे पास एक एरर है नेम एरर, कंप्यूटर जो है इज नॉट डिफाइंड, डू यू मीन कंपाइल, यहाँ पे ये डू यू मीन कंपाइल ये हमें चॉइस दे रहा है कि आपका मतलब ये तो नहीं है कहीं। अब हमारे पास लाइन नंबर 17 यहाँ पे ये हमारे पास एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है भला, यहाँ पे देखिए हमारे पास एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये वाला जो देखिए ये वेरिएबल जो है कंप्यूटर, ये तो इसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर मैं इसको यहां से पिक करूं और मैं यहां पर इसको पेस्ट कर दूं, सॉरी फॉर लूप के बाहर कुछ इस तरह से, यहां पे मैं एक स्पेस दे दूं। अच्छा, अब हमारे पास ये एरर नहीं आएगा, अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा से रन करूं, सो ओके, अब मैं अगर यहां पे रॉक देता हूं गलत चॉइस एंटर करता हूं तो यू एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस, और अगर मैं फिर यहाँ पे रॉक सही देता हूं तो अभी भी हमारे पास चल रहा है कि प्लेयर्स चॉइस इज रॉक एंड कंप्यूटर चॉइस इज सीजर्स एंड यू विंस। एक्चुअली एरर हमारे पास क्या आ रहा था कि हमने वेरिएबल को बाद में डिफाइन किया और प्रिंट हम पहले कर रहे थे, सही है। तो ये भी ऊपर नीचे रखने का कोड को यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हो सकती है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे हम हमसे पूछा है डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, यस आई वॉन्ट टू प्ले, फिर से हमारे पास ऑप्शन पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जी सीजर्स, सीजर्स मैंने चूज चूज किया, मुझे कह रहा है प्लेयर चॉइस इज सीजर्स एंड कंप्यूटर चॉइस इज रॉक एंड कंप्यूटर विंस, अब कंप्यूटर विन कर गया। डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, मैं कहता हूँ नो, जैसे मैंने नो किया गेम हमारे पास बंद हो गई, बट हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे बंद ना हो जाए, हम यहाँ पे एक क्यों ना बाहर प्रिंट कर दें, प्रिंट जस्ट टू मेक इट समथिंग, हम कह लें कि इसको थोड़ा सा प्यारा करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स फॉर प्लेइंग, ठीक है। अब ये मैंने वाइल लूप के बाहर लिखा है, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हम एन पुट करेंगे यानी कि नो पुट करेंगे तो वाइल लूप जो है टर्मिनेट टर्मिनेट हो जाएगा, अब हमारे पास जो कंट्रोल है वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और जैसे ही वाइल लूप के बाहर आएगा तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा थैंक्स फॉर प्लेइंग। इसको टेस्ट करते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं अब देता हूँ जी रॉक, हमारे पास कह रहा है कि कंप्यूटर चॉइस इज पेपर एंड योर चॉइस इज रॉक और कंप्यूटर विन कर गया। डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, यस आई वॉन्ट टू प्ले, फिर मैं देता हूँ जी पेपर, अब इस बार टाई हो गया क्योंकि कंप्यूटर ने भी पेपर चूज किया, अब मैं कहता हूँ डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, ये नो, अब मैं खेलना नहीं चाहता, अब मेरे पास इसने पहले प्रिंट किया थैंक्स फॉर प्लेइंग और उसके बाद इसने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, सो दैट्स इट, ये भी हमारे पास सही तरह से चल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और एरर आ सकता है, मैं अगर इसको दोबारा से रन करूं और मैं यहाँ पे देखें रॉक मैंने लिखा सही स्पेलिंग के साथ लिखा, मैं एंटर करता हूं, मुझे कह रहा है यू एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस, अब मैंने चॉइस तो सही दी है बट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे आर कैपिटल लिख दिया, यूजर कैपिटल भी तो दे सकता है, तो हमारे पास इस मिस्टेक से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यूजर जो भी चॉइस देता है उसको लोअर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, डॉट लोअर कर दूं अगर मैं, यानी कि हमारे पास जो भी यूजर स्ट्रिंग देगा उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दो। अब देखें अगर मैं यहाँ पे दोबारा से रन करूं पाइथन की फाइल को,
और यहाँ मैं कहता हूँ इंटर चॉइस, मैं कहता हूँ रॉक, रॉक में आप कंप्लीटली कैपिटल के अंदर लिख रहा हूँ, इंटर करता हूँ, सो मुझे कह रहा है इनवैलिड चॉइस। अच्छा अभी भी इनवैलिड चॉइस कह रहा है, सो अच्छा हमें सॉरी बंद नहीं किया इसको, बंद करके दोबारा से चलाना है कोड को, दोबारा से रन किया। अब मैं रॉक करूंगा यहाँ पे एंटर, अब देखें मेरे पास रॉक को एक्सेप्ट कर रहा है और मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है भला, शॉर्ट के अंदर, ये देखें सारा स्मॉल के अंदर दे रहा है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे लोअर दे दिया। अच्छा यही सेम केस हमारे पास यहाँ पे बन सकता है, हमें कह रहा है डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, मैं यहाँ पे कैपिटल वाई लिख देता हूँ, मुझे कह रहा है थैंक्स फॉर प्लेइंग, इसने तो प्रोग्राम को बंद कर दिया, मैंने इसको कहा कि मैंने अभी खेलना है। सो यहाँ पे भी हमारे पास वही काम हो रहा है कि हम यहाँ पे यूजर जो इनपुट देता है उसको लोअर के अंदर कन्वर्ट कर दें, ठीक है हमारे पास फिर ये इशू नहीं आएगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, आप इसके अंदर जितना मर्जी कोई भी चीज एंटर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब देखिए मुझे ये जो इफ एल्स की कंडीशंस हैं ये भी बुरी लग रही हैं, ये इतनी सारी कंडीशंस के अंदर क्यों ना इसको एक कंडीशन बना दिया जाए, एक कंडीशन किस तरह से बनाएंगे। मैं देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ ताकि आपको ना पता चलता रहे कि मैंने चेंजिंग क्या की है। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं एल इफ, इसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा ये चेंज करने के बाद, बट अभी आपको जस्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर एल्स इफ जो है इसके अंदर यूजर ये चूज करता है, यही मैं यहां से कॉपी करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर प्लेयर जो है वो रॉक चूज करता है और कंप्यूटर जो है हमारे पास सीजर चूज करता है, और बाहर मैं और लगा देता हूँ, मुझे क्या जरूरत है बार बार एल इफ एल इफ एल इफ लगाने की, मैं अगर और लगा दूं यहाँ पे और यहाँ पे कह दूं फिर ये वाली कंडीशन जो है मेरे पास सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है फिर से यहाँ पे मैं और लगाऊंगा और फिर जो है मेरे पास ये थर्ड कंडीशन उसको पुट करूं यहां पर, ठीक है। अच्छा अगर अब ये वाली कंडीशन जो मैंने पुट की है, अब देखें जब ये रन कर जाए सो मेरे पास क्या कर दो, प्रिंट यू विन, ठीक है। सो ये बेहतर है एक लाइन के अंदर कोड लिखा हुआ, या फिर ये वाला बार बार यू ये प्रिंट का स्टेटमेंट लगाना यहाँ पर, इससे मेमोरी के अंदर भी इजाफा होगा, फिर ये बार बार एल्स इफ एक एक बार करके चेक करना, ये अच्छा नहीं है कि एक लाइन ऑफ कोड के अंदर हमने सारा चेक कर लिया। सो मैं इसको अभी कर रहा हूँ फिर रिमूव, हमारा कोड और छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा अब इस और से मैं नीचे इसको ले आऊँ जरा यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा अब आप देखें जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आया मेरे पास एरर आने लग गया। अब इस कोड को एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर मूव करने के लिए आप यहाँ पर ये जो स्लैश अगर लगा देंगे फॉरवर्ड स्लैश जो है, तो इससे हमारा कोड का मतलब हो जाएगा कि हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं। अब ये वाला जो है ना वो ब्रेक का मतलब है, यहाँ पे जो हमने स्लैश लगाई फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब है कि हमने यहाँ से कोड जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर दिया है। ये आपको इतना कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है, ये एक लाइन के अंदर लिखा हुआ था बहुत दूर तक चला गया था, तो मैंने यहाँ पे जस्ट और के बाद यहाँ पर एक स्लैश लगा दी, स्लैश का मतलब है कि हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर रहे हैं कोड को बस, ठीक है इतना सा मतलब है बस इसका, यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया। अच्छा अब चेक करते हैं क्या हमारे पास कोड जो है वो सही तरह से रन कर रहा है या जो हमने चेंजिंग की है उसके बाद। इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ रॉक, ओके प्लेयर चॉइस इज रॉक, कंप्यूटर चॉइस इज रॉक, दिस इज अ टाई, डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस आई वांट टू प्ले, ओके चूज एंटर अ चॉइस, आई चूज पेपर, एंड जैसे मैं प्रिंट करता हूँ प्लेयर चूज पेपर, कंप्यूटर चूज पेपर, फिर से टाई हो गया, डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस भाई एक बार हार जा मुझसे। अच्छा अब मुझे हरा दिया इसने, कह रहा है कि प्लेयर चूज रॉक और कंप्यूटर ने पेपर चूज कर लिया, तो कंप्यूटर यहाँ पे जीत गया। अच्छा डू यू वांट टू प्ले अगेन, नो आई डोंट वांट टू प्ले अगेन, ओके थैंक्स फॉर प्लेइंग, और प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। अच्छा ये है हमारे पास टोटल रॉक पेपर सीजर की गेम। अब इसके अंदर मुझे कुछ अभी भी अच्छी नहीं लग रही, इसके अंदर हमारे पास यार कुछ रिजल्ट भी तो बनना चाहिए ना, कि हमारे पास स्कोर कम से कम कैलकुलेट हो कि जितनी बार यूजर जीता है और जितनी बार हमारे पास कंप्यूटर जीता है। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम स्कोर जो है वो उसको स्टोर करवाएंगे, हम प्लेयर के स्कोर के लिए करते हैं पी स्कोर फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल अपने पास से कोई भी रख सकते हैं, पी स्कोर को मैं अभी कर रहा हूँ 0, ठीक है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर का स्कोर है उसके लिए मैं सी स्कोर रख लेता हूँ वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर इनिशियली 0। अच्छा अगर हमारे पास यूजर जीतता है, यहां पर हमारे पास यूजर अगर जीतता है तो फिर क्या कर दो, जो पी स्कोर है उस वेरिएबल के अंदर 1 जमा कर दो, प्लस प्लस इक्वल टू 1 कर दो,
और अगर हमारे पास कंप्यूटर जीतता है तो कंप्यूटर का एक स्कोर बढ़ा दो, किस तरह से, सी स्कोर करेंगे, सी स्कोर प्लस इक्वल टू 1, तो सी स्कोर के अंदर एक इजाफा कर दो, और फिर हमारे पास जब प्रोग्राम एंड हो फिर हमें रिजल्ट शो करवा दो। यहां पे हम करते हैं प्रिंट योर, फॉर एग्जांपल योर स्कोर इज, एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, मैं यहां पे करता हूं पी स्कोर और यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगाएंगे, और इसको डुप्लीकेट करता हूँ, नीचे करता हूँ कंप्यूटर स्कोर, कंप्यूटर स्कोर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सी स्कोर। ठीक है, लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे चलते हैं, प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ रॉक, और मुझे कह रहा है कि प्लेयर चॉइस इज रॉक, कंप्यूटर चॉइस इज पेपर, कंप्यूटर विन कर गया हमारे पास, डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, यस। मैं यहाँ पे पेपर चूज करता हूँ, कंप्यूटर ने सीजर चूज किया, कंप्यूटर फिर से जीत गया, मेरे साथ आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं फिर से यस चूज करता हूँ, इंटर चॉइस मैं करता हूँ यहाँ पे फिर से रॉक, कंप्यूटर फिर से जीत गया। यार ये क्या कर रहा है मेरे साथ, मेरा लक आज बहुत बुरा चल रहा है। मैं फिर से कहता हूँ डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, यस ओके, इंटर चॉइस मैं यहाँ पे अब क्या चूज करूँ, पेपर चूज कर लेता हूँ, जैसे मैं पेपर चूज करता हूँ तो फिर से कंप्यूटर जीत गया। डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, नहीं भाई मैं नहीं खेलता, ये तो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। अब मुझे क्या कह रहा है, योर स्कोर इज 0 और कंप्यूटर स्कोर इज 4। अब हमारे पास कंप्यूटर 4 बार जीत गया, तो कंप्यूटर का स्कोर कितना आ गया, 4, और मेरा बेचारे का स्कोर 0 आया, क्योंकि मुझे एक बार भी इसने जीतने नहीं दिया। कंप्यूटर जो है उसका दिमाग इस वक्त मेरे से ज्यादा काम कर रहा है आई थिंक, और इसका लक जो है वो भी मुझसे बेहतर काम कर रहा है। सो ये कंप्यूटर 4 बार जीत गया, हमारे पास स्कोर भी आ गया, एंड थैंक्स फॉर प्लेइंग। ये हमारे पास टोटल प्रोग्राम जो हमने लिखा रॉक पेपर सिजर्स के लिए। अब आप यहाँ पे डिफरेंट काम और इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। ये तो मैंने सिंपल चले कर दिया अपने एक कंप्यूटर के लिए रख लिया, और एक मैंने रख लिया, सॉरी एक मैंने रख लिया अपने एक प्लेयर के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे दो प्लेयर्स बना सकते हो, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, दोनों से आप इनपुट ले सकते हो। एक प्लेयर 1 इनपुट देगा, एक प्लेयर 2 इनपुट देगा, फिर आप दोनों की इनपुट को चेक करोगे कि अगर प्लेयर 1 की और प्लेयर 2 की इनपुट दोनों की ठीक है, फिर आप प्रोग्राम को रन करोगे, और रन करने के बाद फिर आप दोनों को कंपेयर करोगे, यहाँ पे प्लेयर 1 आ जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर की जगह पे प्लेयर 2 आ जाएगा। इन सारे ऑप्शंस को इसी तरह से आप चेक करोगे और यहाँ पे इंक्रीमेंट करते रहोगे, और ये आपका प्रोग्राम जो है वो रन होता रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि अब इसके अंदर किसी तरह का कंपाइलेशन वगैरह एरर है, प्रोग्राम हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से रन कर रहे हैं। सो दैट वॉज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, द रॉक पेपर सिजर्स गेम। होप सो आप लोगों ने इसको इंजॉय किया होगा। अब आप लोगों की असाइनमेंट इसके अंदर वही है कि आपने इसके अंदर कंप्यूटर की जगह पे प्लेयर 2 को चूज करना है, अपनी तरफ से एक प्लेयर 2 रखें, यहां भी जो आप प्लेयर से इनपुट ले रहे हैं यहां से प्लेयर 2 से भी इनपुट लें, यानी कि प्लेयर 1 करें और इसको यहीं पे आप प्लेयर 2 करें, ठीक है, और प्लेयर 2 से भी चॉइस लें आप, फिर दोनों को कंपेयर करें आप यहां पे। लेकिन आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस जो है उनका ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका प्लेयर 1 जो है उसकी चॉइस ठीक है, प्लेयर 2 की चॉइस ठीक है, फिर आपको जो अब ये आपको रेंडम जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है, आपके पास क्योंकि दो प्लेयर्स होंगे तो आपको ये इंपोर्ट ना तो ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये आप ऑप्शंस रख लें, ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इफ एल्स के थ्रू भी चलाना चाहें फिर भी चला सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सेंस आपने खुद बनानी है, सेंस किस तरह से बनानी है वो मैं आपको आपके सामने बता चुका हूँ, ये आपके बैठे सामने मैंने कोड लिखा है, कहीं से उठाया हुआ या कहीं से देख के मैंने अभी नहीं लिखा, आपने आपके सामने बैठे मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से लॉजिक बनाया कि इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, इस तरह से वर्क करना चाहिए, तो हमने इस तरह से बनाया। आप लोगों ने भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना कोड, कहीं से भी आपने गूगल से कॉपी नहीं करने बैठ जाना कि मैं प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के साथ किस तरह से खेलूं, आपने खुद बनाना है, खुद बनाएंगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्किल्स जो है वो जरूर बढ़ेंगे। आज का प्रोजेक्ट यहाँ पे एंड हुआ, कल हम देखेंगे हमारे पास जो क्विज सिस्टम है हम पाइथन के अंदर किस तरह से जनरेट करते हैं। मुझे इजाजत दें, अपना और अपने गिर्दनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, 54% आप लोगों में से ऐसे चैनल को देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और जो हमारे पास 46% है वो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और मुझे इजाजत दें, अपना और अपने गिर्दनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।